पाकिस्तान 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 आप बात कर लो अब्दुल्ला शफीक की, आप बात कर लो अगर सलमान की, आप को बोलो ना कि बाबर की तारीफ करो वहां पर। भाई मैं कह रहा हूँ रिजवान को लेकर ना उसके T20 सेटअप में आने में लोगों को दिक्कतें थी, वो दो साल के अंदर ही बिकेम द बेस्ट, सूर्य कुमार यादव के बाद अभी भी सेकंड बेस्ट वही है नंबर्स के बाद। मैं कह रहा हूँ आपको उसने भाई बढ़ता जा रहा है। दुनिया छोड़ो आप श्रीलंका वालों की, सोचो हालत क्या हुई है भाई। आज उन्होंने ऑलमोस्ट आपके लिए 90 ओवर का फेंक दिया है। अरे यार जब आप बाबर आजम के फेलियर पे हसन अली की जगह पर, उसका दोस्त है, उसका करीबी, कल अगर दो सेशन में ही पैक कर दे रहा पाकिस्तान, जिसकी पॉसिबिलिटी पूरी है भाई। श्रीलंका ने इतनी ऑर्डिनरी घटिया क्रिकेट खेली है, जेन्युइनली बताऊं भाई, बैट और बॉल से। अब आपको परचेज नहीं मिला तो आप पूरे दिन धुनाई खा रहे हो। सलमान आकर आप पे 100 मार दे रहा है, 166 रन स्ट्राइक रेट, रन रेट जो है वो यहां से भाई बढ़ता जा रहा है। दुनिया छोड़ो आप श्रीलंका वालों की, सोचो हालत क्या हुई है भाई। आज उन्होंने ऑलमोस्ट आपके लिए 90 ओवर का फेंक दिया है, 90 ओवर उन्होंने फेंक दिया, और 90 ओवर के अंदर उन्होंने सिर्फ 3 विकेट ली। हर एक सेशन में एक सफलता मिलती है। आप बात कर रहे हैं खासकर अगा सलमान की, अगा सलमान जिस तेजी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, मैं तो ये देख रहा था कि भाई अगर सलमान अपनी हाफ सेंचुरी से सेंचुरी तक पहुंच गया ऑलमोस्ट, और अपना अब्दुल्ला शफीक 200 पर ही खड़ा था यार, उसे 70 बना दिए, 70 200 का इंतजार करता रहा। ये किस स्पीड में यहाँ से जो है उसके बाद रन आते रहे। आई थिंक 195 पर कुछ खेल रहा था अगर सलमान ने जब खेलना शुरू किया था, 30-32 रन जब 70 हुए तब वो 200 पे, मतलब उसने 30-40 रन बना दिए। वो बेचारा अब्दुल्ला भाई उसने 5, लेकिन चाहे अब्दुल्ला शफीक हो चाहे अगासा सलमान हो, सभी ने मैच भाई इतनी अच्छी पोजीशन पर ला दिया है। रिजवान ने भी बैटिंग गंगा में हाथ ऐसे धोए कि भाई रिजवान की जो खोई हुई फॉर्म थी ना शायद रेड बॉल के साथ, वो स्लो नॉक के चलते कहीं ना कहीं वापस आएगी। लेकिन अभी के लिए पॉइंट क्या, 397 रन की बड़ी लीड अभी जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। बहुत 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 सॉलिड चांसेस है कि पाकिस्तान आज ओवरनाइट डिक्लेयर कर देगा, और कल सुबह जो है पाकिस्तान यहां पर बल्लेबाजी के लिए न्योता दे देगा श्रीलंका को कि भाई आए आप 400 रन की लीड बनाए, वरना कल एक दिन के अंदर अगर नसीम शाह और शाहिद शाह अफरीदी की तरफ से वो तूफानी आपके लिए नॉक आती है तो उसके बाद जरूर आपको कल ही ये मैच खत्म होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। कोई भी होता बौखला जाता कप्तान, मैनेजमेंट क्यों मुझे बैठ कर रहा है, मैनेजमेंट से पूछो। बड़े बड़े कप्तान जो है बौखला जाते हैं, और अगर आप बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे ना भाई, मैंने 3-4 इंस्टेंसेस ऐसे देखे जब उससे बड़े ही ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें मैं कहूंगा कि भाई अगर आप विराट कोहली से वो सवाल पूछ लेते ना, हाँ जी, विराट कोहली कपड़े फाड़ देता आपके। हाँ, बिल्कुल क्या हुआ है, बैठ करते हैं ना सब कि आप बताइए, सब सबको ये लगता है कि भाई हम क्रिकेटर है ना, ये तो साफी है, ये तो जर्नलिस्ट है। हाँ। ये कैसे ये सीधे सीधे हमसे ये पूछ सकता है कि आपने प्लेइंग 11 गलत खेला है, इसको हमसे ज्यादा पता है क्या? तो फिर सामने वाला पता है क्या काउंटर करता है, क्रिकेटर बोलता है आप बताओगे क्या प्लेइंग 11, आप बता दो अपनी। मैं कह रहा हूं नेवर आंसर्स लाइक दैट। ओडीआई में आपकी बड़ी बड़ी दिग्गज टीम आई है, किसने आपको नंबर वन बना दिया? अगर बाबर के जितने छोटे करियर में एज अ कैप्टन इतनी अचीवमेंट किसी और वो अपने ऐसे बैठता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे बाबर आजम चाहे रोहित हो, मैं तो अपने रोहित की भी तारीफ करता हूँ। क्यों तारीफ करता हूँ रोहित शर्मा की? क्योंकि उन्होंने इंटेंट बदला है। आपने कितने ओवर में ठोक दिए थे 180 रन वहां पर? बिल्कुल 20 बदला ना। हाँ। मैं मानता नहीं हूं पिछले 10 साल में जो हो गया हो गया। मेरा मानना ये है कि अगर आपका न्यू स्टार्ट और आप न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो, अगर भाई 10 साल के लिए रोता रहूंगा तो रोता ही रहूंगा। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान भी रो रहा होता ना पिछले WTC में तो रोता रहता। आपने अपनी चीजें बदली। मैं कह रहा हूँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया WTC जीत जाए, मैं भूल जाऊंगा यार 10 साल। मुझे क्या लेना 10 साल से? बिल्कुल बिल्कुल। आप न्यू बिगनिंग, और जो हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी की टाइमिंग होती है वहां पर कि आप न्यू स्टार्ट कैसे करते हो। पिछले दुनिया भूल जाती है भाई, कोई नहीं याद। अब विराट कोहली की फॉर्म आ गई है, 3 साल आप याद रखोगे? कोई याद नहीं यार। ये रोहित शर्मा और विराट आपके वर्ल्ड कप जिता दे फिर देखो आप 10 साल भूल जाओगे यार। भूल गए ना आप इंग्लैंड आ रहे, आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे, आप न्यूजीलैंड से ड्रॉ खेले, भूल गए? तो भाई यही है, जब आप फेलियर का, अगर आपको फेलियर छुपाना है, सक्सेस हो जाओ, उससे बढ़िया आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं। और ये सेम सबसे बड़ी बात बता रहा हूं भाई, देखो जो रूट डिफेंसिव कप्तान आप उनसे मूव ऑन कर गए जबकि आपका वो सबसे बड़ा ब्रांड था उस मौके पर, आप बेन स्टोक्स के पास गए क्योंकि आपको अपना रेड बॉल क्रिकेट बदलना था। बाबर आजम एक साल में फ्लॉप हुआ, अब उसमें बहुत सारी टीम, भाई देखो उसको टीम का ब्लेम करना होता है लेकिन कप्तान पे सारा ब्लेम जाता है। मान लिया बाबर आजम ने अगले टेस्ट रमी राजा को बोला कि रमी राजा एक नंबर का फर्जी चेयरमैन था जो अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाता वहां पर। रमी राजा की बस की क्या थी? मुझे आज भी याद है जब उनसे पूछा गया ना, बोला कि ऑस्ट्रेलिया से पीछे से लेके आएंगे। मैं तभी बोलता मेरे भाई, तब क्यों तूने बाबर आजम पर आरोप लगाए वहां पर? क्यों लगाया तूने बाबर आजम पर वहां पर आरोप? हिम्मत नहीं थी ना तेरी? सबको पता है इमरान खान का खास था वो रमेश राजा वहां पर, तब जाके चीजें चलती थी। जब इन पे आरोप लगे जब इमरान भाईजान 25 बताओ कैसे बनवाने, गड्ढा बना गड्ढा।
तो सपादन ट्रैक पर एक बात तो बताओ, रमेश राजा पर जब आरोप लगे थे कि आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां ले रहे हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सामने आरोप लगाया, जांच भी जवाब दिया, उसका जवाब नहीं दिया कोई। नजम सिटी पे तो खुद बड़े सारे आरोप है, वो बात अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब बाबर आजम के ऊपर ये इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने फ्लैट फिक्टे बनाने के लिए बोली, मैं कह रहा आधा तो लोग इसलिए भी बेवकूफ है ना कि लोगों को ये पता होना चाहिए था कि भाई साल भर पहले इन्हीं विकेटों पर बांग्लादेश की टीम खेलकर अफ्रीका की टीम खेल कर गई है भाई, तब कहां से क्विक विकेट्स आ गई, तब क्यों नहीं बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया से मंगाऊं विकेट या ना मंगाऊं। हां बिल्कुल, अचानक से साल भर में क्या विकेट खराब हो जाती है क्या, विकेट मतलब जमीन से आसमान हो जाती है विकेट पूरी तरीके। अरे भैया यार मतलब की बात उस समय पर भी कही गई, और जब आप कमेंट्री बॉक्स इस तरह की बातें कहते हो ना, जैसे संजय मांजरेकर का हाल हो गया था ना जब जडेजा ने बोल दिया था कि भाई कौन सा प्लेयर बोल दिया था उन्हें, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोल दिया था, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। तो भाई इस तरह का जवाब अगर बाबर आजम रमेश राजा को दे देगा ना तो फजीहत हो जाएगी, इज्जत नहीं, उसने नहीं करा किसी तरह की। बाबर एक एम्बेसडर क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसका अलग भाई कह रहे हैं। अब शायद रमेश भाई को शर्म आई होगी, बिल्कुल भाई शर्म आनी चाहिए ना, भाई बात उस चीज की है भैया, आप बांग्लादेश से जीते नहीं जीते, आपने अफ्रीका हराई नहीं हराई, आपको विकटे बैटर मिली थी क्योंकि पाकिस्तान की ताकत स्पिनर से नहीं है। आप बताओ ना सगरान मुश्ताक के बाद आपको कौन सा स्पिनर ऐसा मिल गया क्वालिटी वहां पर, बिल्कुल यासिर साहब को याद आते हैं, आपको याद आते हैं, पर आपको परफॉर्मेंस ऐसी याद ही नहीं है जैसे अश्विन जड्डू कुंबले हरभजन वो वाली चीजें पाकिस्तान के साथ, आपको अख्तर आसिफ आमिर ये याद आते भाई, आपको उमर गुल आपको ये याद आते हैं, आपको जिताते थे नसीम शाह और शाहीन जी, शाहीन याद आ रहे हैं आपको, अफ्रीका 19 वाली सीरीज भी आपको हसन अली शाहीन ने जिताई थी यार, आप खुद ही उसको देख रहे थे। आप बात कर लो अब्दुल्ला शफीक की, आप बात कर लो अगा सलमान की, आप बात कर लो साउद शकील की, या फिर आप बात करो टेस्ट में वापसी करने वाले आप मोहम्मद रिजवान की। इस सेशन के अंदर नितिन 166 रन। अपने रोहित की भी तारीफ करता हूँ, क्यों तारीफ करता हूँ रोहित शर्मा की, जो की उन्होंने इंटेंट बदला है, आपने कितने ओवर में ठोक दी थी 180 रन वहाँ पर, बिल्कुल बदला ना। मैं मानता नहीं हूँ पिछले 10 साल में जो हो गया, मेरा मानना ये कि अगर आपका न्यू स्टार्ट और आप न्यू बिगनिंग आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो, अच्छा नहीं वो तो आप थोड़ा इसलिए बोलते हो कि जब बंदा करता है उसके बारे में कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, और बाबर ना भाई अप्रिशिएशन का भूखा नहीं है, उसने जब अच्छा करा वो कभी ब्रैग नहीं करता, सिंपल सी पर्सनैलिटी है उसकी, सुन लेता है, एजेंडे चलते, चाहे वो बाबर के अगेंस्ट एजेंडा चलना हो, चाहे फिर वो रोहित के अगेंस्ट एजेंडा चलना हो, चाहे विराट के अगेंस्ट, सिंपल बंदों के साथ, जितना बड़ा बल्लेबाज हो जितना बड़ा क्रिकेटर होगा उतने ज्यादा एजेंडे चलते, मात्र सिर्फ क्या एजेंडा क्यों चलता है कि भाई मेरे से उसकी ना बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। yes. भाई सलमान बड़ा अंडररेटेड प्लेयर है, और बाबर पे जो सवाल उठे थे कि भाई सलमान की टीम में जगह जो बन रही है, सलमान की आप परफॉर्मेंसेस देख लो, न्यूजीलैंड वर्सेस कराची वाला 100 आपको याद आएगा, इंग्लैंड वर्सेस 50 आपको, हमेशा आपको यूटिलिटी पारियां देखता है, और अब तो जो कंसिस्टेंट ये पॉइंट किया जहां पर आपके लिए श्रीलंका की टीम सिर्फ 166 में ऑल आउट हुई, बाबर आपने ऑलमोस्ट उनसे 400 ज्यादा रन बना दिए, अभी 397 रन आपकी लीड हो गई है, 563 यहाँ पर वो यहाँ बना दिए हैं, लेकिन ये आपको ना पाकिस्तान की स्पिन बैटिंग लाइनअप अगर हम ध्यान से देखें चालू होते थे तो आपको काफी ज्यादा स्टेप देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप देखो शान मसूद काफी तेजी से अग्रेसिव अंदाज से खेले, जो यहाँ पर बैटिंग रही है अब्दुल्ला शफीक की, जब विकेट गिरी भला वो आगाज मारा बड़ा आपके लिए बाद ऊपर से आउट हुए, उसके बाद भला बाबर आजम आउट हुए या फिर शान मसूद, जब भी दूसरे छोर से विकेट गिरा तो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया कि भाई मेरे पास ताकत से भी खेलने का तरीका है, मेरे पास नजाकत से भी खेलने का तरीका है, ये धीमे धीमे भी रन बना सकते हैं, काफी तेजी से भी रन बना सकते हैं, मतलब दोनों पक्ष में इन्होंने बल्लेबाजी को दिखाया है, और शायद यहाँ पर ये कहना काफी मुश्किल कि ये शख्स सिर्फ अभी 23 साल के हैं, ऑन पेपर अभी सिर्फ 23 साल के खिलाड़ी है, और नितिन मुझे तो इनका इतिहास ही याद आता है, अभी तक आपकी 24 पारियां है, अब कुछ नहीं करेंगे 26वीं बारी इन्होंने आज अपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर खेली, 26 बारियों के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने आपके लिए एक दोहरा शतक लगा दिया है, बाकी कीर्तिमान भला वो इंग्लैंड श्रीलंका के सामने एक दोहरा शतक इन्होंने लगाया है 26 पारी में, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 है, और एक श्रीलंका के अगेंस्ट 100 है, आप देखें काफी ज्यादा स्टेप देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप देखो शान मसूद काफी तेजी से अग्रेसिव अंदाज से खेले, तो यहाँ पर बैटिंग रही है अब्दुल्ला शफीक की, जब विकेट गिरी भला वो आगाज मारा बड़ा आपके लिए बाग बोला ऊपर से आउट हुए, उसके बाद भला बाबर आजम आउट हुए या फिर शान मसूद, जब भी दूसरे छोर से विकेट गिरा तो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया कि भाई मेरे पास ताकत से भी खेलने का तरीका है, मेरे पास नजाकत से भी खेलने का तरीका है, ये धीमे धीमे भी रन बना सकते हैं, काफी तेजी से भी रन बना सकते हैं, मतलब दोनों पक्ष में इन्होंने बल्लेबाजी से दिखाया है,
और शायद यहाँ पर ये कहना काफी मुश्किल कि ये शख्स सिर्फ अभी 23 साल के हैं और पेपर अभी सिर्फ 23 साल के खिलाड़ी हैं। और नितिन मुझे तो इनका इतिहास ही याद आता है, अभी तक आपकी 24 पारियां हैं, फुल स्क्रीन पे रहिए, फुल स्क्रीन पे रहिए रॉबर्ट, 26वीं पारी इन्होंने आज अपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर खेली। 26 पारियों के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने आपके लिए एक दोहरा शतक लगा दिया है, बाकी कीर्तिमान भला वो इंग्लैंड श्रीलंका के सामने एक दोहरा शतक इन्होंने लगाया 26 पारियों में, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 है, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 है और एक श्रीलंका के अगेंस्ट 100 है। आप देखें